बोरी में सिक्के भर कोर्ट पहुंचा पति। मेंटेनेंस के खर्चे को कट्टों में भरकर जमा कराई। एक के सिक्के, दो के सिक्के, पांच और दस के सिक्के, सिक्के ही सिक्के। इतने सारे सिक्के देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सिक्कों से भरे ये कट्टे किसके हैं। चलिए जिसके हैं उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए इन सिक्कों की असली कहानी। मैं दशरथ कुमावत, मेरा विवाह सीमा कुमावत से फरवरी 2011 में हुआ। मेरी पत्नी का व्यवहार शुरू से ही सही नहीं था। मैं परेशान होकर मेरी पत्नी से जून 2017 में मैंने महिला फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई। मेरा तलाक एक्स पार्टी 2018 में हो गया। इसके बाद में मेरी पत्नी ने मुझ पर भरण पोषण का केस लगाया, झूठे दहेज और मारपीट के मुकदमे लगाए। मैं इन चीज़ों से परेशान होकर, मेरी इतनी ही कमाई है, मैं हटवाड़े का काम करता हूँ, हटवाड़े में दुकान लगाता हूँ, मैं महीने का इतना ही कमाता हूँ कि मेरा खर्चा चल जाए। मेरे बीमार माँ बाप है, एक छोटी बच्ची है, इन सबका मैं भरण पोषण सही से नहीं कर पाता, फिर भी उसके बावजूद मुझे 5,000 रुपये महीना उसे गुजारा भत्ता देना पड़ता है। मैं इन चीज़ों से परेशान हो गया था, इसीलिए मेरे पास जो भी चिल्लर, जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने इकट्ठी करी। मेरे पास गिरफ्तारी का वारंट हडवाड़ा थाने से आया। मैं 4 बार हडवाड़ा थाने में गया, पुलिस वालों ने मेरा पैसा लेने से मना कर दिया। उसके बाद में मुझे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। ये संपूर्ण राशि 55,000 रुपये थी जो मैंने कोर्ट में जमा करा दी। सभी पर पैसे 1 और 2 रुपये के सिक्कों में थे, जो न्यायालय ने मेरे साथ न्याय करते हुए ये राशि स्वीकार करी और मुझे बरी किया। जी हाँ, सिक्कों के इस खजाने को जयपुर के रहने वाले दशरथ कुमावत कोर्ट लेकर पहुंचे थे। दशरथ और उनकी बीवी के बीच मेंटेनेंस को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा था, जिसके बाद पति ने पारिवारिक विवाद के बकाया भरण पोषण की 55,000 रुपए की राशि कट्टों में भरकर जमा कराई। 55,000 की इस रकम को, जिसका वजन करीब 280 किलो था, दशरथ 7 कट्टों में भरकर कोर्ट आया। इस दौरान जब कट्टों से सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दी तो हर कोई चौंक गया। इतने सारे सिक्कों को देख कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इस राशि को गिनने में तो 10 दिन लग जाएंगे। अब इतने सारे सिक्कों की गिनती कैसे और कब की जाए? इसके लिए कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि इन सभी सिक्कों को 1,000 रुपए की थैलियां बनाकर कोर्ट में सिक्कों की गिनती की जाए। बकायदा गिनती के लिए 26 जून की तारीख भी तय की गई है। एक भरण पोषण से जुड़ा मामला था, जिसमें लिंक कोर्ट ADJ 8 मेट्रो फर्स्ट में दशरथ कुमावत को वसूली वारंट द्वारा हरमाड़ा थाना द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया था, जिसमें दशरथ कुमावत द्वारा 55,000 रुपये के 1 व 2 रुपये के सिक्के में राशि लेकर आया था। तो मेरे द्वारा कोर्ट में निवेदन किया गया कि यह हमारे देश की मुद्रा है और वेद है, इसको स्वीकार किया जाए, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि आगामी दिनांक 26 को सिक्कों की गणना कर 1,000 रुपये की थैलियां पैक करके परिवादी को दिया जावे और दशरथ कुमावत को 1,00,000 रुपये के मुचलके पे रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने तो दशरथ की पुकार सुन ली, लेकिन दशरथ की बीवी के वकील का इन सिक्कों को लेकर कुछ और ही कहना है। परिवादिया सीमा कुमावत का जो है अधिवक्ता हूँ, और उसकी तरफ से मैं जो है न्यायालय में पैरवी कर रहा हूँ, और सीमा कुमावत का जो है पति दशरथ कुमावत, उसने बिना कारण से उसको जो है 7-8 साल से छोड़ रखा है, और उसकी एक बच्ची भी है, जो बच्ची तो पिता के पास ही है, लेकिन उसको वो हमेशा हैरेसमेंट करता था। उसको लेकर एक 498A और 406 IPC का मुकदमा भी सीमा कुमावत ने सोरे दर्ज करवा रखा है, वो भी विचाराधीन है। साथ में जब इसको बिना कारण से छोड़ रखा है, तो सीमा कुमावत ने भरण पोषण को लेकर एक परिवाद पेश किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने, पारिवारिक न्यायालय प्रथम ने, जयपुर महानगर सेकेंड ने जो है 5,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से उसका भरण पोषण राशि बांधी थी, तो वो उस न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहा था। इसलिए श्रीमान न्यायालय ने ये कहा कि यदि ये भरण पोषण की राशि अदा नहीं करता है तो उसको अदम अदायगी में गिरफ्तार करके और न्यायालय के समक्ष पेश करें। तब उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, और जब न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तो उसने ये कहा कि मैं भरण पोषण की राशि देने के लिए तैयार हूँ, तो कोर्ट ने कहा लाओ। तो उसने 7 कट्टे 1-1 रुपए के सिक्के के भरे हुए कोर्ट के समक्ष रखा, तो कोर्ट देख के हैरान हो गई कि इनकी काउंटिंग कैसे होगी। तो मेरी आपत्ति कोर्ट को ये थी कि ये
दशरथ कुमावत जो सीमा कुमावत का पति है वो सिर्फ उसको हैरेसमेंट करना चाहता है, और ये मान्यता नहीं है कि एक पत्नी को इतने 55,000 रुपये के सिक्के वो लेके आ रहा है, जबकि वो एक व्यवसाय जो करता है वो मैकेनिक एसी सुधारने का व्यवसाय करता है, इसके बावजूद एक उसने न्यायालय का माहौल भी उड़ाया। तो न्यायालय ने ये कहा कि कोर्ट का समय समाप्त हो रहा है और ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी राशि काउंटिंग नहीं की जा सकती। तब उसने ये कहा कि ये भारतीय मुद्रा है और कोर्ट को लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने उसको 1,00,000 रुपये जमानत मुचलके पर मतलब पाबंद करते हुए और छोड़ते हुए ये कहा कि आगामी जो तारीख पेशी है उस पर आप न्यायालय में उपस्थित होंगे और इस सिक्कों को आप परिवादिया को काउंट करवाओ। बता दें कि 12 साल पहले दशरथ ने सीमा कुमावत से शादी की थी, लेकिन पिछले 5 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। सीमा ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा है। ऐसे में बकाया भरण पोषण की राशि नहीं देने पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। दशरथ के जेल में होने की वजह से परिजनों ने 55,000 रुपये सिक्कों में जमा कराए, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन 55,000 के अलावा अभी भी 1,70,000 रुपये की राशि बकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच।